यहाँ पे शुरू से ही छात्रों में जो है जो एवीवीपी है उनके छात्र नेता काफ़ी सक्रिय रहे हैं और कैंपस में उनका काफ़ी वर्चस्व भी है, राजनीतिक रूप से सक्षम है। क्योंकि क्षेत्र प्रधानमंत्री जी का है तो एक्सपेक्टेशंस होती है कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में तो कुछ अलग होना चाहिए, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पर? अगर यहाँ से जीत करके जाते हैं मोदी जी तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? फिलहाल तो जो अगर मैं शहर की दृष्टि से देखूं तो बनारस शहर को प्रधानमंत्री जी जब से यहाँ से सांसद चुने गए हैं और सरकार बनी है तो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है बनारस में। और अगर मैं ये भी कहूँ कि अपेक्षा से ज़्यादा ही बनारस शहर को मिला है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। देश का मैं तो मानता हूँ कि पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने अनेकों विडंबनाओं को, अनेकों एक तरह से किंवदंतियों को ध्वस्त करने का काम किया है। अब पूछिए कैसे? विडंबना ये थी कि जिस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कम 7 से 8 छात्रों को भारत रत्न पूर्व में प्राप्त हो चुका था, परंतु उसके संस्थापक जिसने इतनी बड़ी बगिया, इतनी बड़ी तपस्थली का निर्माण किया, उनको उचित सम्मान नहीं मिला था। देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिन्होंने आते ही सबसे पहले महामना को उचित सम्मान देने का कार्य किया। लोग आज की डेट में योग्य लोगों को सम्मान देते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहीं न कहीं युगदृष्टा को सम्मान दिया, और योग्य और युगदृष्टा के अंतर को यदि देश की जनता समझ ले तो शायद देश के विकास में बहुत देरी नहीं लगेगी। चलिए, महामना की आपने बात की है तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि राजनीति के अलग अलग पहलू होते हैं, चुनाव आता है तो अलग अलग आरोप प्रत्यारोप होते हैं, ठीक बात, मिसालें दी जाती है, ठीक बात, महामना से लेकर के महात्मा गांधी तक मिसालें दी जाती है। बीएचयू का छात्र महामना की कर्म भूमि से क्या मैसेज देना चाहता है तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, चाहे कोई भी हो, बिना नाम लिए अगर हम बात करें, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या मैसेज देना चाहता है? देखिये, महामना के मानस पुत्र होने के नाते आप यहाँ महसूस भी कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा पत्रकार बंधुओं से, कि 2-4 दिन रह के यहाँ इस तपस्थली में महसूस करें। यहाँ एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि जातिवाद मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त है और तमाम तरह के छद्मवादों, कुत्सित मानसिकताओं से मुक्त है। तो कहीं ना कहीं राजनीति में, वर्तमान राजनीति में इसकी नितांत आवश्यकता है। हम ऐसे व्यक्ति का चयन करेंगे जो जातिवाद, धर्मवाद और तमाम तरह के वाद विवादों से मुक्त होकर एक स्वस्थ, स्पष्ट और देश को विकासशील गति देने वाली सरकार बने। मैं तो यही कहूंगा कि बनारस में आधुनिकता, शिक्षा से लेकर अध्यात्म तक की बात करने वाला जो ही दल होगा, उस दल के प्रति काशी हिंदू विश्वविद्यालय सहित काशी की जो आम जनमानस होगी, उनका रुझान होगा। और बेशक आप कह रहे हैं कि आपका रुझान किस ओर होगा, तो मुझे लगता है कि एक औपचारिकता है इस बार 2024 में, और एक चूंकि संवैधानिक और एक वैधानिक प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया को चूंकि का अनुपालन कराना, पूरा कराना एक प्रक्रिया है। नहीं तो बेशक काशी के लोगों ने यह मन बनाया है कि पुनः एक बार, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी होंगे और काशी से वो पुनः अधिक से अधिक अंतर से वो जीत करके चुनाव जाएंगे। छात्रों की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, पहली आकांक्षा यही है कि मान लीजिए कि हम लोग सोच छात्र हैं यहाँ पर, या सोच छात्र बनने के लिए प्रयासरत हैं, तो अगर आप शोध का एक पैमाना देख लें तो वो बहुत ही निचले स्तर का हो चुका है। शोध में 3 कैटेगरियाँ होती हैं पूरे भारत में। एक NTA एग्जाम कराती है उसका, उसमें 3 प्रकार के आवंटन होते हैं, एक GRF होता है, एक NET होता है, एक RET होता है। तो आप देखें कि छात्रों की अपेक्षाओं के हिसाब से जो एक छात्र GRF करता है उसको 42,000 रुपये मिलता है पर मंथ, लेकिन उससे जो थोड़ा नंबर कम पाता है, कुछ नंबर कम पाता है, मान लो 5-7 कुछ उसके कम आए, कुछ नंबर कम आए, तो उसकी फेलोशिप तुरंत घटके जो है कि नेट क्वालिफाई होता है, तो 8,000 रुपये हो जाती है। तो कहाँ 42,000 रुपये और कहाँ 8,000 रुपये। अगर मैं आपसे कहूँ सर कि बनारस जैसे शहर में 8,000 रुपये में आप रह के दिखाइए, तो आप नहीं रह पाएंगे। अगर आप यहाँ के जो चहरदीवारी के जो बाहर जो आवास बने हुए हैं, जहाँ पर हमारे बच्चे बच्चियाँ रहती हैं, हमारी बहनें रहती हैं, वहाँ जाके देखेंगे बहुत बदतर, एकदम नारकीन स्थितियाँ हैं, ठीक है ना। आप वहाँ किराए के नाम पर लोग लूट रहे हैं, वो रहने लायक नहीं है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुए 100 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से यहाँ पर छात्रावास सुविधा नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है? 2 कार्यकाल पूरे हो चुके हैं,
माननीय नरेंद्र मोदी साहब को, उन्होंने अच्छा काम किया, मैं तारीफ उनकी करता हूँ, लेकिन अभी बहुत सारा काम किया जाना बाकी है। तो सबसे पहले मैं आपके एक छात्र होने नाते यही कहना चाहता हूँ आपसे कि मोदी साहब जब यहाँ पर आए तो वो एक स्कीम लेके आए कि मैं पूरे पूर्वांचल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय की। वो एक स्कीम लेके आए कि इस बार जब मैं नॉमिनेट होके आऊंगा, जब मैं उर्बू जैसे कहते रहते हैं कि मैं काशी का पुरुष हूँ, काशी मेरी है, मैं काशी का हूँ, तो आए तो एक स्कीम लेके आए कि इस बार जैसे मैं यहाँ आऊंगा तत्काल प्रभाव से एक अमेंडमेंट प्रस्तावित करूंगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सब छात्र छात्राओं को छात्रावास दिया जाएगा, कोई भी छात्र बाहर नहीं रहेगा। अगर सर आप ऐसे, आप तो यहाँ खड़े हैं, मंदिर प्रांगण है, समय है ना सर आपके पास, मैं बोल सकता हूँ ना, मंदिर प्रांगण है, तो आधे से भी कम बच्चों को यहाँ पर छात्रावास मिल पाता है, उसमें बच्चे भी हैं बच्चियां भी हैं, ठीक है ना, उसमें सो छात्र भी हैं। अगर आप इस शहर दीवारी के बाहर जाके एक सर्वे करें मोटा मोटी, तो आप जाएंगे कि ऐसी ऐसी स्थितियों में लोग रह रहे हैं कि वहां रहने लायक नहीं है। ऐसे यहाँ के बाहर कुछ नाम बता रहा हूँ आपको, छित्तूपुर हो गया, नगवा हो गया, सीरगेट हो गया, दुर्गा कुंड हो गया, सामने घाट हो गया, वहां पर लोगों के पास शौचालय नहीं है, नाले किनारे लोग रह रहे हैं। तो ये इसमें बदलाव करें, तो मैं जो है कि यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में होता है। आज से 100 साल पहले मालवीय जी ने ये बदलाव किया था जब देश हमारा गुलाम था, तो देखिए कहाँ से कहाँ, मतलब इस छात्र के बच्चे, इस विश्वविद्यालय के बच्चे पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे पूरे देश को, मतलब किस क्षेत्र में नहीं है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो कृषि विभाग में हो, चाहे वो खेलकूद में, मतलब हर एक क्षेत्र में जो है कि यहाँ के बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपनी वाणी को विराम देते यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी जब इस बार यहाँ पर आए तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बच्चों को पूर्ण रूप से छात्रावास की व्यवस्था देने का प्रस्ताव पारित करें। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं सोच छात्र हम लोग बनने की ओर अग्रसर हैं और या फिर आने वाले समय में हो भी जाएंगे, तो जो ये फेलोशिप का जो बंटवारा है ना, ये बहुत गड़बड़ है, गड़बड़ क्या, बहुत इनजस्टिस वे में है। फेलोशिप बंटवारा क्या है कि अगर आप जेआरएफ करते हैं तो आपको 42,000 रुपये मिलता है, लेकिन अगर आप नेट होते हैं तो 8,000 रुपये मिलता है। तो इस कम से कम नेट की फेलोशिप को बढ़ाकर कम से कम 30,000 या 25,000 रुपये किया जाए ताकि हम एक गरिमामय जीवन जीने के लायक हो सकें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।